अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए कोई नई वीडियोस लेकर आती हूँ और आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ। जैसे गाइस आप जानते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होती है और आप ताकि आप लोग इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और इस इंफॉर्मेशन से आगाह हो सकें। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए रोज़ पेंटिंग लेकर आई हूँ। मैं रोज़ आप लोगों के लिए कोई पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, इसी तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि गाइस आप इसमें देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, रोज पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। आजकल सबको ही पेंटिंग का शौक़ होता है और तमाम लोग पेंटिंग करते हैं ताकि पेंटिंग अच्छी बन सके। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों की भी पेंटिंग अच्छी बन सके और आपके अंदर एक काबिलियत पैदा हो, पेंटिंग करने की काबिलियत पैदा हो। तो गाइस, जैसा कि आप आज इसमें देखेंगे कि मैं किस तरह से रोक पर पेंटिंग बनाई जाती है। रोक पर पेंटिंग बनाने के भी मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लुक दी जाती है उन पर और वो डिफरेंट ही नज़र आते हैं। जैसे कि गाइस आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे और ये डिफरेंट ही लग रहे होंगे। रोक होते हैं, इन पर डिफरेंट तरह की पेंटिंग की जाती हैं। जिस तरह के रोक होते हैं, यानी कि वो लंबाई में रोक हो चाहे गुलाई में हो, तो उस तरह की इस पर पेंटिंग की जाती है ताकि वो खूबसूरत लग सकें। खूबसूरती की वजह से हम ये पेंटिंग को पसंद करते हैं क्योंकि पेंटिंग में बहुत ज़्यादा कलर यूज़ किए जाते हैं और कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमें। पेंटिंग दोनों तरह में की जाती है, लाइट कलर में भी की जाती है और डार्क कलर में भी की जाती है। इसी तरह गाइस आज आप देखेंगे कि दोनों तरह की पेंटिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप दोनों से लुत्फंदोज़ हो सकें, आप दोनों पेंटिंग को एंजॉय कर सकें और मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल को वीडियो को देखते रहें। तो गाइस, जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं कि इनको एक प्रॉपर शक्ल दी जाती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसा कि आप इस रोक में भी देख सकते हैं इस पेंटिंग में कि इतनी खूबसूरत लग रही है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। जब इन पर पेंटिंग बनाई जाती है तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही क्लीन से बनाई जाती है, नीट एंड क्लीन बनाई जाती हैं। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं, कभी कभी तो इंसान वो हो जाता है कि ये पेंटिंग है या फिर असल चीज़ है। पेंटिंग इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है, आप ख़ुद भी से देख सकते हैं कि यह ऐसा लग रहा है जैसे यह असली चीज़ें हों लेकिन ये रोक पर बनाई गई पेंटिंग होती है। ऐसी चीज़ें बच्चों को भी दिखानी चाहिए ताकि उनमें भी पेंटिंग की सलाहियत पैदा हो और वो भी पेंटिंग करने के शौक़ रखें और उन्हें भी पेंटिंग करना पसंद हो। जैसे कि गाइस आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के रोक्स लिए गए हैं और इन पर डिफरेंट तरह के कलर्स यूज़ किए गए हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रेड कलर में, रेड और ब्लैक कलर इसमें यूज़ किया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लावर्स के ऊपर बैठे हों लेकिन ये पेंटिंग ही है जिनसे जो हमें अच्छी लगती है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेकर आती हूँ वो लोगों के बताए हुए कमेंट बॉक्स के मुताबिक लेकर आती हूँ, यानी कि जो लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि किस तरह की उन्हें वीडियो देखनी है तो मैं उसी तरह की वीडियो लेकर आती हूँ। यानी उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ की वो पेंटिंग देखना चाहते हैं, किस तरह की पेंटिंग में उन्हें इंटरेस्ट है, ताकि मैं उनके लिए वही वीडियो लेकर आती रहूं। तो गाइस आपने भी मुझे बताना है कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है और आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगती है
आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी और आज भी आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। सो गाइज, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।